रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम सब खैरियत से हैं, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पाइन एप्पल और ऑरेंज का जूस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी बनाएं, अपनी फैमिली वालों को भी बना के पिलाएं। पाइन एप्पल के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, यह गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। इससे वेट लूज भी बहुत जल्दी हो जाता है। अनानास, ये मैंने आधा अनानास लिया। अब इसको मैं अच्छी तरह छील लूंगी। छीलने के बाद मैं इसका जूस तैयार करूंगी। अब इसको काट के इसके अंदर वाला गुद्दा इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसको छोटे छोटे पीसीज में इस तरह मैं काट लूंगी। अब मैं इसमें ये दो माल्टे भी शामिल कर दूंगी काट के। ये जो माल्टे और अनानास का जूस है, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये अगर किसी के जिस्म में सूजन हो तो वो पाइनएप्पल का जूस पिए, उससे बहुत ही जल्दी उसके जिस्म की जितनी भी सूजन है ख़त्म हो जाएगी। मैं सारे माल्टे भी काट लिए हैं और पाइनएप्पल को भी काट लिया है, और दो माल्टे ये मैंने काट लिए हैं। अब इसमें मैं ये एक कप चीनी शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैं चीनी शामिल करके इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दूंगी। अब ये पूरी रात फ्रिज में रहा है, इसने अब अपना पानी छोड़ दिया शीरा। अब इसको मैं इस डिब्बे में डाल के मैंने आधा गिलास पानी शामिल किया। अब इसको मैं हैंड मेकर के साथ जूस बना लूंगी। अब हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अब मैंने मशीन के साथ इसको इसका जूस बना लिया। अब मैं इसको पून लूंगी अच्छी तरह। अब हमारा जूस तैयार हो गया, इसको मैंने पोनी के साथ अच्छी तरह भून लिया। ये अब लिक्विड शक्ल में आ गया। अब इसको गार्बेज कर देंगे। अब हम इसको जग में शामिल कर लेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार जूस तैयार हो गया। अब हमारा पाइन एप्पल और ऑरेंज का जूस तैयार है। अब आपको मैं इसको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ। अब डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर मैं ये छोटा सा लेमन का पीस लगा दूंगी। अगर आप इसमें लेमन जूस भी शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।